हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यार ईगल माफिया के लड़के को मारने की बहुत कोशिश करी, बट यार बड़ा ही चालू बंदा है वो, बार बार बच के भाग जाता। कोई बात नहीं भाई, ये जब भी मिलेगा उसको मार देंगे। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ माइकल के पास। यार माइकल ने मेरे को बुलाया, बहुत ही जरूरी काम है, पता नहीं कुछ कराना चाहता है, तो भाई पहुंचता हूँ उसके पास फटाफट से, देखते हैं क्या नया काम आ गया, तो मजा आने वाला है। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको सेट कर दो। भाई अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया तो जाकर उसको चेकआउट कर लेना, बाद में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और शाम को पार्ट उसी पर आने वाला है 5 बजे। तो भाई इस वीडियो के लाइक्स का एम रखेंगे हम 10,000, तो उसको पूरा करा देना। ओके, पहुंचता हूं जगह। भाई मेरी माइकल से बात हो चुकी है, बहुत ही खतरनाक खबर इसने मेरे को दी है, मैं आपको बताता हूं। माइकल मेरे को बोल रहा है हमारे शहर में भाई रोडियम आया है, उसके सामने गोल्ड तो भाई कुछ भी नहीं है, रोडियम सबसे महंगा मेटल है हमारी दुनिया का, तो भाई वो आ रहा है हमारे शहर में, माइकल ने मेरे को बताया। आपको पता है माइकल प्रेसिडेंट है, इसको सब खबर रहती है। तो माइकल ने मेरे को बोला कि ट्रेवर मेरे भाई कुछ भी कर उसको चुरा ले, और हमारा नाम नहीं आना चाहिए, आपको पता ही, और रेडियम भाई बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, इसलिए माइकल सोच रहा है कि मैं उसको चुरा लूं। प्रेसिडेंट बन के भाई वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मेरे को सारी की चीजें बोलता रहता है। देखते भाई चुरा लेते रोडियम, भाई वैसे बहुत ही कम मिलता है, बात पैसे की नहीं है, पैसा तो हमारे बहुत है बट रेयर चीज है, तो उसको हम छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। तो माइकल ने मेरे को बताया कि भाई मेरे को तो उससे जानकारी है नहीं फिलहाल वो कहाँ पर है, बट FIB वाले बंदे जानते हैं, उनको पता है कि फिलहाल रोडियम कहाँ पे रखा गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैरी को बोलता हूँ कि सारे के सारे FIB वाले बंदों की कॉल को ट्रेस कर, और कोई ना कोई तो हमें लिंक जरूर मिलेगा, सारे बंदों की हम बातों को सुनेंगे, जरूर कोई ना कोई बंदा तो भाई रोडियम की बात करेगा, और जिसने करी मतलब कि भाई हमें मेटल मिल गया। भाई ये मैंने मैरी को बोल दिया है, वो काम पे लग चुकी है। अभी मेरे पास फोन आया था हमारे ज्वेलरी शॉप के ओनर का, मतलब वो मिस्टर चेरी का पोता जो है, उसका मेरे पास फोन आया था। उसने मेरे को एक आंटी के बारे में बताया, बहुत ही उनकी उम्र हो चुकी है, पता नहीं भाई जिंदा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिस जूली उनका नाम है। तो भाई वो पता है कौन थी, मिस्टर विल्सन के घर में काम किया करती थी, तो मुझे भाई ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे काम आ सकती है। भाई मैं मिस जूली के घर पर पहुंच चुका, आप लोग देख लीजिए ये है मिस जूली। अच्छे हो भाई मैं जल्दी आ गया, अगर मैं 1-2 साल के बाद आता शायद से ये भी मेरे को नहीं मिलती। तो मिस जूली जी, आप मिस्टर विल्सन के बारे में कुछ जानती हो, उसके लड़के के बारे में कुछ भी अगर आपको पता हो, उसके लड़के का नाम क्या था वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आपको पता हो तो मेरे को बता दो। भाई ये आंटी ने तो कुछ अलग ही सस्पेंस दे दिया, ये कह रही है मिस्टर विल्सन का जो लड़का हुआ था ना वो मरा हुआ पैदा हुआ था। अरे भाई कैसी कैसी बातें चल रही है, ये कह रही है मरा हुआ पैदा हुआ था, वो बंदा कह रहा है भाई मिस्टर चेरी का पोता, वो कह रहा है लड़का हुआ था, मैंने सुना था, बट यार उसने ये कहा था लड़का हुआ था, ये नहीं बताया था भाई उसने कि जिंदा था मरा हुआ था। अरे यार मिस जूली तो बोल रही है लड़का मरा हुआ पैदा हुआ था, अब भाई ये कुछ कैसी राज है। लेस्टर भाई बड़े गलत टाइम पे लेकर के गया सच में टाइम मशीन, नहीं तो 5 मिनट में पता लगा लेता मैं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। वैसे जितना मुझे लगता है भाई 90% बहुत सारे बंदे झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो भाई ज्वेलरी शॉप वाले बंदे पे भी शक हो रहा है, और मिस जूली भी झूठ बोल रही है, मुझे तो ऐसा लगता है भाई। तो भाई ये बहुत ही खुशी की बात है, मैरी को एक बंदे के बारे में पता चला है, वो पूरे दिन भाई बंदों की कॉल सुन रही थी, तो उसे एक बंदे पे शक हुआ है, उस बंदे का नाम है मिस्टर फैबियन, उसने मेरे को उसका एड्रेस दिया और कहा है कि जाकर के उस बंदे को पी लो, मुझे शक है वो जरूर कुछ ना कुछ जानता है रोडियम के बारे में। तो बहुत ही बढ़िया भाई, मिस्टर फैबियन के घर पे जाते हैं, उनको गन पॉइंट पर बैठा के पूछेंगे कि जल्दी से बता दो नहीं तो आपको हम कम कर देंगे इस दुनिया से। तो भाई उसके घर पे पहुंचता हूँ। ओके तो भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ जो मेरे को मैरी ने एड्रेस दिया है, मिस्टर फैबियन मेरे को यहीं पे मिलने वाले। चलो भाई आराम से ढूंढते देखते कहाँ पर है, उसने मेरे को फोटो भी सेंड किया है, तो हम आराम से मिस्टर फैबियन को पहचान लेंगे। मिस्टर फैबियन जी, हेलो 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 भाई, ये मिस्टर फैबियन। तो भाई बंदे की आदत एक अच्छी लगी है सुट्टा मारने के लिए, गलत बात है, बट घर से बाहर आए हैं सुट्टा मारने के लिए, घर को गंदा नहीं किया। अरे फैबियन जी कमाल है, ओ भाई वीड फूंक रहे हैं तो कतई सस्ते नशे चल रहे हैं पूरे के पूरे। अरे मिस्टर फैबियन जी सिगरेट बीड़ी कुछ ही पी लेते, मतलब सीधा वीड, ये सही है भाई, ये तो कुछ अलग ही लेवल का बंदा है। तो भाई ये बहुत ही शरीफ आदमी है मिस्टर फैबियन, इन्होंने मेरे को आराम से सब कुछ बता दिया। ये कह रहे हैं कि भाई मुझे इतना कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में, बट मुझे ये पता है कि ह्यूमन लैब में भाई कुछ पेपर्स में उन चीजों के बारे में लिखा हुआ है कि रोडियम कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब पेपर्स में सारी डिटेल है भाई के रोडियम कहाँ पे रखा है गवर्नमेंट ने। वाह मेरे भाई, चल कुछ तो बताया यार। भाई माइकल से बात हो चुकी है, माइकल दादा बोल रहे हैं मास्क लगा के जा और पानी में से जा, मतलब समझ रहे हो भाई अंडरग्राउंड पानी में से होकर के मेरे को लैब के पीछे से जाने को बोल रहा है, तो ठीक है वैसे ठीक बोल रहा है भाई, वहां पे कम बंदे मिलते हैं, सही बोला, पानी के अंदर से जाऊंगा अगर बंदे मेरे को मिले। माइकल बोल रहा है कि उनको मार देना और मास्क मत उतारना मुंह से। भाई मैं लैब के पीछे की तरफ आ चुका हूँ, लैब सामने की तरफ है, गाड़ी मैंने यहीं पे पार्क कर दी, अभी आराम से पानी की तरफ से निकलता हूँ और देखते हैं भाई कहाँ पे मिलेगा। वैसे लैब बहुत बड़ी है यार, रात भी होके रखी है, कभी भाई भूत ना मिल जाए पिछली बार की तरह। कोई बात नहीं भाई, वैसे भी आपको पता है बहुत ही शरीफ भूत है, कुछ नहीं बोलते। भाई अंदर जाने का रास्ता मेरे को मिल गया है, तो मेरे प्यारे ड्राइवर जल्दी से फटाफट चल। अच्छा हो भाई मैं टॉर्च लेकर के आया हूँ, नहीं तो बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ लैब के अंदर, चल मेरे प्यारे ड्राइवर ऊपर चढ़ जा, देखते भाई बंदे हैं या भूत है, जो कोई भी होंगे कोई टेंशन नहीं है, सभी को मारेंगे, बट भूतों को नहीं मारेंगे यार, भूत हमें कुछ नहीं बोलते। चढ़ जाओ मेरे भाई। ओके भाई हम पहुंच चुके हैं ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं और देखते कहाँ पे मेरे को फाइलें मिल सकती है। भाई बहुत ही बढ़िया,
भूत नहीं है। अरे पर आज भूत क्यों नहीं यार, पिछली बार तो था, रात को बोलते हैं सभी यहाँ पे भूत भटकते हैं। गाइस बंदर की तरफ आ चुका, अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और एक बंदा यहाँ पे गन ले करके खड़ा हुआ है। भाई कोई पीछे की तरफ भी है क्या बंदा? हेलो 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 हेलो, भाई साहब एक बंदा सामने खड़ा हुआ है, अब क्या करूँ? तो भाई ये गोली चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बाहर निकला तो ये मेरे को ठोक देंगे। देखो मेरा पूरा का पूरा फेस कवर है, ये मेरे को नहीं देख पाएंगे, मैं मास्क लगा करके आया हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये ले बेटे, ये ले ये ले, अबे मैंने कहा नहीं, हट जा हट जा हट जा हट जा। और कोई है बंदा? साइंटिस्ट मेरे भाइयों, निकल लो यहाँ से। अबे तो देखो भाई ये गोलियां चल पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सभी को मारूंगा। आ जा बेटे आ जा, मेरे को रोडियम की फाइल चाहिए। कहाँ पर है रोडियम फटाफट बता दे, जल्दी से बता दे। मानेगा नहीं। ओ भाई सब डॉक्टर हो गोली चला रहा है, डॉक्टर हो के गोली चला रहा है। ओ भाई साहब कितना मेहनती डॉक्टर है भाई, देखो तो सही, अपनी फाइलें बचाने के चक्कर में मेरे ऊपर गोली चला रहा है। तू कैसे परेशान है बेटे, जल्दी से बता दे मेरे को रोडियम कहाँ है, जल्दी से बता दे, नहीं तो यहीं खत्म कर दूंगा, बता। ये ले बेटे हम तो मारेगा, ये ले बेटे तू भी ले, आया मजा। ओके ये भी खत्म। भाई बंदे बहुत सारे हैं यार, बहुत ही सारे बंदे हैं, कमाल है। पिछली बार तो एक भी बंदा नहीं था, भूत भटक रहे थे यहाँ पे रात को। आज क्या करना है तुम सारे के सारे यहाँ पे रात को? भाइयों मेरे को फाइलें मिल चुके, देखो बंदों ने कहाँ पे छुपा के रखी हुई थी। जल्दी से ट्रेवर मेरे भाई सारी फाइलें उठा और निकल यहाँ से फटाफट, बाद में रीड करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं कि पूरी फाइल की डिटेल्स में चेक कर सको। ओके तो भाई मैं गाड़ी में आ चुका हूँ और सबसे अच्छी बात क्या, किसी बंदे को भाई शक नहीं हुआ, कोई भी यहाँ पर नहीं आया। देखो पुलिस भी नहीं आई है, बहुत ही बड़ी आराम से काम हो गया। भाई मैं लेस्टर की फैक्ट्री में आ चुका हूँ, मैरी मेरा वेट कर रही है, इसको सारी फाइलें दिखाता हूँ, बाकी काम बाद में कर लेगी, सबसे पहले फाइलों को चेक करो। गाइस मैंने मैरी को फाइलें दे दी है, बट यार थोड़ा टाइम लगने वाला है, बोल रही है एक दो घंटा तो लगेगा। चलो कोई जब तक भाई हम अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भी कहीं पर रख देते हैं, एक दो घंटे बाद आते हैं, जब तक आराम से चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं मेरे भाई रोडियम को लेने के लिए। गाइस मैरी ने मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको पता मेज बैंक बिल्डिंग हमारे शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसी की साइड वाली बिल्डिंग में अंडरग्राउंड पार्किंग में भाई एक खुफिया बेस बना के रखा है गवर्नमेंट ने, और वहीं पर रोडियम है इन फाइलों के हिसाब से। तो भाई अभी जाता हूं वहां पे, हल्ला मचा के आता हूं और सारा का सारा रोडियम लेकर गया था। आइए मैं पार्किंग पे पहुंच चुका हूँ, बट सामने मेरे को काफी बंदे खड़े हुए दिख रहे हैं। अबे टकले तुझे क्या दिक्कत है मेरे भाई, मैं कर दूंगा अपनी गाड़ी पार्क, इधर उधर कह रहा है पार्किंग में लगा लीजिए सर, ऐसे मत खड़ी करिए। अच्छा बेटी टकले हेले हेले, हमको पार्किंग में लगवाया गाड़ी। तो भाई सामने देखो कितने सारे बंदे सिक्योरिटी के लिए खड़े करके रखे, इसका मतलब रेडियो यहीं पे हो सकता है। अरे मेरे भाई, अरे भाई गोली क्यों चला रहे हो, इन्होंने शायद से मेरे को पहचान लिया। ओ मेरे भाई अबे गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, मास्क मैंने पहना है, कुछ नहीं होने वाला। कहाँ जा रहे हो? ये लो। अबे मैं नहीं चाहता था भाई किसी बंदे को मारूं, मैंने तो सोचा था यार बेस पे आराम से रखा पड़ा होगा इन्होंने रोडियम को। ओह वाला वाला बंदा भी हेल्प करने के लिए आया था। अबे गार्ड मानेगा नहीं मेरे भाई, बहुत पीटूंगा, बहुत ही ज्यादा पीटूंगा, सुधर जाओ। बहुत ज्यादा बंदे भाई, बहुत ही ज्यादा बंदे यहाँ पे, तो अबे मानोगे नहीं मेरे भाई तुम। ये ले आया मजा, मर के मानेंगे यार, कमाल के बंदे, ये सारे के सारे टकले मेरे से ही मरते हैं। तो भाई इतनी सारी सिक्योरिटी का मतलब रोडियम यहीं पर ही है। चल मेरे प्यारे ड्राइवर आराम से चल, आगे बंदे और भी हो सकते हैं। तो भाई अच्छी सी मिनी गन निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखो यार ज्यादा बंदे होंगे तो आराम से मारने मजा नहीं आता, यूज से टाइम लगता है मारने में। हेलो हेलो हेलो, भाई क्या बेस बना के रखा, देखो दूसरे अब जगह तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो फिलहाल भाई यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, अभी जाओगे से ओके सामने लिफ्ट है, भाई लिफ्ट से चलते चलो, यहाँ पे कितने बंदे मिलने वाले हैं। हेलो 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 हेलो, ओ भाई साहब, अरे चाचा जी खड़े हुए हैं, चाचा जी हेलो। तो भाइयों देखो सामने कितना बड़ा वोल्ट है और ये बंदे उसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, इसका मतलब जो चीज हमें चाहिए वो वोल्ट के अंदर ही है। तो चाचा जी नमस्ते, खाओ समोसे सस्ते। ये ले बेटे तू भी ले। अरे वोल्ट तो ऐसे खुल गया, अरे मेरी भाई गोली लग के खुल गया। अबे कुछ ताला चाबी कुछ नाम सुना है तुमने? नहीं सुना। ये ले बेटे भाई, अंदर ही बंदे, वोल्ट के अंदर बंदे कौन रखता है? ये ले बेटे, वोल्ट नहीं है भाई, पूरा का पूरा रूम है तो। ये ले बेटे, आया मजा। और कोई भी? ओहो पिच्छू तू बच गया था बेटे। ये ले हमसे पंगा बेटे, बहुत मानेंगे। ये ले बेटे तू भी ले, और कोई है? ये बेटे तू भी ले। ओ भाई ये गोल्ड तो मेरे को दिखाई देगा, देखो कितना सारा गोल्ड रखा हुआ है। और कोई बंदा है? ओहो कितना धुआं निकल गया मिनी गन ने, भाई आतंक मचा के रख दिया, बहुत ही सारा गोल्ड है भाई यहाँ पर तो, कमाल है। देखो तो कितना सिक्योर है, वोल्ट में रखा हुआ था, बंदों ने इतने ऊपर और कितने सारे गार्ड्स को भी बंद करके रखा था अंदर। अबे तुम खाना पीना कैसे खाते थे बे, तुम्हें कौन खाना ला के देता था यहाँ पे? भाई समझ नहीं आ रहा मेरे को तो, कितने सारा गोल्ड भाई, मुझे लगता है इन क्रेट्स में भी वेपन्स वगैरह होंगे, गोल्ड तो बहुत ही सारा है। चलो बढ़िया, अभी रोडियम कहाँ पे मिलेगा हमें? अरे मेरे भाई रोडियम कहाँ पर है रे? अरे यार वो तो ढूंढना पड़ेगा, मैनुअली कोई बंदा थोड़ी है। चलो मैं सारी जगह सर्च करता हूँ और देखता हूँ भाई कहाँ पे मिलने वाला है। ओके भाइयों मैंने एक एक सेल को चेक कर लिया, कहीं पर भी रोडियम नहीं है, खबर झूठी थी, फाइलों में झूठी खबर लिखी हुई थी, मुझे तो ऐसा लगता है।
कल को बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रोडियम कहीं नहीं है। मैंने हर एक रूम को चेक कर लिया भाई, गवर्नमेंट ने हमारा बेवकूफ बना दिया। इसका मतलब रोडियम कहीं और ही शिफ्ट कर दिया उन्होंने, या तो फिर भाई जब मैं हुमेल लैब में गया था तो रात को मैंने मैरी को फाइल ले जा करके दी थी और मैं यहाँ पे आया हूँ सुबह, क्या पता रात ही रात में भाई शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट ने सारा रोडियम। उनको पता चल गया होगा ना भाई कि फाइलें चोरी हो चुकी है, इसका मतलब कोई बंदा रोडियम को चुराना चाहता है। भाई उन्होंने शिफ्ट कर दिया रोडियम, सही है, ऐसा ही हुआ है, इन्होंने शिफ्ट कर दिया। मैं माइकल को बता देता हूँ। तो गाइज मैंने माइकल को खबर कर दिया, माइकल थोड़ी देर में मेरे को वेरीफाई करके सारी चीजें बताएगा कि फिलहाल अभी रोडियम यहाँ पे है या नहीं है। तो भाई एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, माइकल तो अभी चेक कर ही रहा है। मेरे पास मैरी का फोन आया था, मैरी को सैम की लोकेशन मिल गई है। आपको याद ही होगा ट्रेसी जिससे शादी करना चाहती थी वो बंदा मेरे को मिल गया है, तो भाई ये उसकी जगह मेरे को ट्रेसी ने सेंड कर दी है। मैं माइकल को बता देता हूँ कि सैम पता चल गया है कहाँ पर छुप के बैठा हुआ है। तो भाई मैं पुलिस स्टेशन में फोन करता हूँ और कुछ बंदा को बुला लेता हूँ अपनी हेल्प के लिए। अकेले कब तक मारेंगे यार, पावर का यूज करते हैं। तो आ जाओ मेरे भाइयों, मैं लोकेशन सेंड करता हूं। भाइयों मैं जगह पे आ चुका हूं, देखो मेरी प्यारी पुलिस आ चुकी है। भाई फोन करते ही सारे के सारे बंदे आ गए हैं, इसको कहते हैं भाई असली पावर। वैसे मजा बहुत आता है यार पुलिस के साथ अब बंदों को मारने में। तो क्या अभी देखते कितने बंदे। अबे यार गेट किस बंदे ने लगाया था यहां पे, फायदा क्या हुआ। ओहो मेरे पुलिस वाले बंदे कुछ यहां पर भी खड़े हुए, अपने आप ही काम करने लग गए, इसको कहते हैं समझदारी। तो मेरे भाइयों मैं देखता हूं कितने बंदे हैं। ओ भाई बहुत ही सारे बंदे, ये ले बेटे, एक बेटा ऊपर खड़ा हुआ था। ओ भाई साहब सारे के सारे बेटे जाग गए, ये लो बेटो, ये लो। अरे मारो मेरे भाइयों, मारो 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 जल्दी मारो। अरे कहां पर खड़े हो, मारो 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 फटाफट से मार दो। हाँ इधर आ बेटे, इधर आ, बहुत मारेंगे मेरे पुलिस वाले, बहुत खतरनाक है। क्या कर रहे हो यार, बंदे बहुत ही ज्यादा है, मैंने सोचा नहीं था इतने बंदे मिलेंगे यहाँ पे। अबे कहाँ है तुम्हारा फूफा सैम, जल्दी से बताओ फूफा जी के बारे में, फूफा जी कहाँ पर मिलने वाले है। अबे बताएगा नहीं बताएगा, ये ले बेटे, ये ले ये ले ये ले ये ले। अरे यार मेरे पुलिस वाले मार लेंगे इनका, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई आ जाओ, तुम मारो आज। अरे कमाल के बंदे भाई, पूरे ट्रेंड बंदे, आराम से मारेंगे। यहीं पे रहो, कवर में रहना, कवर में रहना, आगे मत जाओ। अरे आगे मत जाओ मेरे भाई, कुछ हो सकता है। ओहो भाई एक पुलिस वाला हमारा मर चुका है, दो मर गए भाई, दो बंदे मर गए, तीन बंदे मर गए। अरे ऐसा मत करो यार, ज्यादा आगे मत जाओ, ये तो नुकसान हो जाएगा हमारा, हमारी फोर्स कम हो जाएगी ऐसे तो। ये ले बेटे, फोन करो तुम, कितने सारे बंदे हैं भाई। ये ले बेटे, ये ले तू भी ले, टकले तेरा टकला फोड़ दूंगा। ओहो ये ले बेटी, आंटी भी है यहाँ पे। ये ले बेटी तू भी ले, एक और बेटी आ गई। ये ले बेटी तू भी ले, दो दो बेटी। अबे ले मारेगा नहीं टकले, बड़ा बड़ा गोली मार रहा है, पिछवाड़ा तोड़ दूंगा। ये ले बेटे तू भी ले, और कोई है, और कोई है। ओ एक बंदा यहाँ पे, ओ भाई साहब मिसाइल्स का धंधा कर रहा है यहाँ पे सैम बैठ के। और देखो प्रेसिडेंट की बेटी से शादी करेगा, लक्षण तो तेरा ठीक नहीं है बेटे, तेरे से शादी करवा देंगे हम। ओके कहाँ पर है बंदे। तो भाई ये मेरे को सैम मिल चुका है, इसको देखो तो सही, ये तो शक्ल से चोर लगता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ट्रेसी ने इसमें क्या पसंद किया था। अरे मेरे प्यारे भैया तेरे को शर्म नहीं आती। तो भाई आपको पता ही है कोई शरीफ बंदा नहीं है, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। इसने कम से कम 20 लड़कियों को मर्डर करके रखे हुए, सभी को कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा और बाद में उनको मार डालता है, ये इसका शौक है। जेल में जब मैं गया था कल जेलर ने मेरे को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी इसके बारे में। तो यार इसकी स्पेशल मौत होनी चाहिए, मैं इसको आराम से नहीं मारूंगा, उल्टे सीधे काम करता है ना। तो चल मेरे भाई तेरा इलाज करता हूं मैं। तो भाई मैं इसको रस्सी से बांध करके अभी लेकर के जाता हूं, अपनी गाड़ी से बांध करके इसको लेकर मैं जाऊंगा माउंट चिलियर्ड पे, बाकी तो वहीं पे सोच लेंगे भाई इसके साथ करना क्या है। आज जब मेरे प्यारे सैम, करता हूं तेरा इलाज। भाइयों मैंने सैम को गाड़ी के पीछे बांध लिया आराम से। अरे मेरे पुलिस वाले भाइयों चेक कर लो तुम, जब तक कोई बंदा अगर बचाओ तो उसको भी ठोक दो आराम से, ठीक है, और पहुंच जाना पुलिस स्टेशन में। यार बड़ा साथ देते हैं मेरे पुलिस वाले। भाइयों मैं सैम को पहाड़ पे लेकर के आ चुका हूं। देखो आपको ये जगह कुछ याद ही आ रही होगी, यहां पे भूतनी आने वाली है, तो मैं भी इसको भाई यहीं से टक्कर मार के ही मारूंगा। कुछ अलग सा करना चाहिए ना इसके लिए, ताकि ये भी भाई पहाड़ों पे भूत बन के घूमे। तो मेरे प्यारे सैम भाई तूने बहुत उल्टे सीधे काम करे, तूने कम से कम 20 मर्डर्स किए पैसों के लालच में। पता नहीं भाई किए क्यों है वो तो हमें जानना भी नहीं है, बट किए तो है भाई इसने मर्डर्स। आने वाली है भाई, 5 सेकंड है सिर्फ। तो मेरे प्यारे सैम 5 सेकंड, 4 ही रह गई, तो 3 इसकी सेकंड्स थोड़ी लेट होती है। तो हो गई भाई, हो गई, हो गई भूतनी, आ जा आजा। ओके भाई आ गई है हमारी प्यारी भूतनी एबिगेल। वैसे मैंने इसका केस सॉल्व कर दिया था, इसके मैंने मर्डरर को मार दिया था। ये ले बेटे, ओ भाई भूतनी गायब हो गई, भूतनी गायब हो गई। सही है समझदार है भाई साहब, आराम से। अरे मेरी गाड़ी का कंट्रोल खराब हो गया, आराम से। ओहो भाई देखो सैम सू से तब से गिरता हुआ जा रहा है, मेरी गाड़ी इधर से गिरती हुई जा रही है। कंट्रोल। ओके गाड़ी कंट्रोल में आ गई। सैम बबुआ जिंदा हो या मर गए? चलो अभी माइकल से फोन करके पूछता हूँ, यार सुबह से शाम हो गई उसने बताया नहीं है भाई कहाँ पे है रोडियम, बता दे मेरे भाई। एक काम नहीं होता उससे, मैंने उसके सारे काम पूरे कर दिए, उससे पता करता हूँ। ओके तो भाई माइकल से बात हो चुकी है, पता है माइकल बोलता है भाई ड्राइवर मैं उसी काम में लगा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे सुबह तक बताता हूँ, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं एकदम तेरे को कॉल करके बता दूंगा। ओके भाई तो भाई सुबह हो चुकी है, माइकल ने मेरे को फोन करके बता दिया भाई
सच में हमारी गवर्नमेंट बड़ी चालू निकली, उसने रातों रात भाई ये रोडियम को शिफ्ट करा दिया है। तो माइकल ने मेरे को बताया कि गवर्नमेंट ने भाई एक प्लान निकाला है, उन्होंने 3 ट्रक्स शहर में छोड़े हुए हैं बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, उन तीनों में से सिर्फ एक में ही रोडियम है और वो कहीं पे जाने वाला है। अगर वो वहां पे चला गया तो दोबारा से हम रोडियम को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, तो इसलिए अभी हमें रास्ते में से ही रोडियम को चुराना पड़ेगा। बट मेरा गवर्नमेंट ने काम बढ़ा दिया, मतलब 3 ट्रक्स है एक जैसे, तो भाई मुझे तीनों ट्रक्स को चेक करना पड़ेगा, तीनों पे हमला करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसके अंदर रोडियम है। तो भाई फटाफट से पहुंचता हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, तो मैं बाइक ले लेता हूँ। माइकल ने मेरे को बोला है कि मैं उसकी BMW बाइक लेकर के जाऊँ और भाई मास्क लगा के आराम से सभी ट्रक्स पे हमला करूं और देखूं किसमें रोडियम। गाइस बहुत ही ज्यादा ढूंढने पर मेरे को एक ट्रक मिल चुका है, अब भी करता हूं इस ट्रक का शिकार। कहां पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है, आजा आजा। ओके भाई देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सामने ट्रक, अब भी करता हूं इसका इलाज। चल मेरे प्यारे भाई कहाँ पे, तो भाई स्टिक बॉम्ब का यूज करते हैं, पीछे इसके भाई स्टिक बॉम्ब में डालता हूँ और इसके डोर्स को ब्लास्ट कर देता हूँ। यार ये सही रहेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि डोर्स ब्लास्ट हो जाएगी तो मेरे को अंदर दिख जाएगा भाई क्या लेकर के जा रहा है, फ्री में बंदे को क्या मारना। ये ले मेरे प्यारे ट्रक वाले, स्टिक बॉम्ब आ रहा है तेरे ऊपर, एक और डालू, एक से काम चल जाएगा, देखते हैं भाई अगर एक से काम चल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो भाई दो दो डाल देंगे। तो ये ले भाई ब्लास्ट मैंने कर दिया है, अरे खुल तो गया हमारा सिम। हेलो हेलो हेलो, देखते हैं भाई इसके अंदर कुछ है। अरे गोली किसे चलाई, कौन है भाई ये? अरे बाला वालो, मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं करा था ये, मौने गनी। ये ले बेटे, आया मजा। तो भाई अभी ट्रक के अंदर देखते हैं क्या है, क्या कुछ है क्या, खाली जा रहा है मेरे को और भगाई लेके जा रहा है। अरे चाचा खाली ट्रक लेकर के जा रहे हो, भाई बहुत ही चालू निकली अब की बार गवर्नमेंट। देखो तो पहला ट्रक तो खाली निकला, भाई प्लान वैसे इनका मस्त है। अगर कोई बंदा लूटने की कोशिश करेगा रोडियम को तो भाई जब तक वो मेन वाली ट्रक के पास पहुंचेगा क्या पता वो भाई निकल जाए शहर से बाहर। तो ये आइडिया मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, तो भाई जल्दी से ढूंढता हूँ पूरे शहर में पता नहीं दूसरा ट्रक कहाँ पे मिलने वाला है। पहुंचता हूँ भाई उसके पास और देखता हूँ उसमें रोडियम मिल गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो भाई फिर तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ही ज्यादा। चलो मैं ढूंढता हूँ। ओके गाइस मेरे को दूसरा ट्रक भी मिल गया, देखो कितने प्यार से जा रहा है गाड़ियों के बीच में से। अरे मेरे प्यारे भाई इसको तेजी से लेकर के जाना, बट भाई ये प्लानिंग सही है नहीं, बिल्कुल आराम से लेकर के जाओ ताकि किसी को शक ही ना हो। अगर ये तेज स्पीड में जाएगा तो भाई आम पब्लिक को भी शक होगा कि आखिर इस ट्रक में है क्या जो इतनी इमरजेंसी है, बंदा इसको भगाए ले जा रहा है। अभी करता हूँ बेटे तेरा इलाज, चलो चलो भाई थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ। आ रहा हूँ बेटे, तेरा इलाज कर दूंगा मैं। ये ले बेटे, ओके है कुछ इसके अंदर, है क्या भाई, ये भी खाली लग रहा है मेरे को। अबे कौन है बदतमीज जो गोली चलाने लगता है, मैं कह रहा हूँ निकल ले यहाँ से, ये बाला वाला है ना ये भी। अरे मेरे फूफा मेरे को शर्म नहीं आती, थोड़ी तो कर लिया कर, कहाँ है ट्रक कहाँ है, खाली लग रहा है भाई ये मेरे को, ये भी खाली लग रहा है। कमाल है यार ऐसे कितने सारे ट्रक्स है भाई, सारे के सारे खाली लग रहे हैं, ये तो खाली है भाई बिल्कुल। भाई एक और ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, वो भाई तीसरा तो एकदम तुक्के से मेरे को मिल गया। हट जा, तेरे पास कुछ नहीं है। ये ले बेटे फोड़ू, हट गया वो भाई, ये मिल गया भाई, ये कमाल हो गया, तुक्का लग गया यार, मैंने सोचा नहीं था तीसरे नंबर का ट्रक आसपास में मिल जाएगा। अरे रे 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 रे, तुम्हें शर्म नहीं आई भाई, ब्रीफ केस मिल गया भाई। मैंने माइकल को फोन कर दिया और मैंने सारा का सारा रोडियम भाई अपने बैग में भर लिया है, बट यार एक गड़बड़ हो गई है, पुलिस को खबर मिल गई भाई, उनको तो खबर मिलेगी कि ट्रक को ब्लास्ट करके किसी बंदे ने रोडियम को चुरा लिया है। मैंने ब्रीफ केस को भाई वहीं पे छोड़ दिया, कोई फायदे नहीं, ब्रीफ केस को मैं लेके नहीं जा सकता था, तो मैंने बैग में सारा माल भर लिया, क्योंकि ब्रीफ केस को पकड़ना बाइक पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अभी इन पुलिस वालों को, तो गोली देने में भाई मेरे को टाइम लगने वाला है। कोई बात नहीं, अभी तो यार ये सीन मेरे को धूम पिक्चर वाला याद आ गया, आपको याद होगी पहला धूम पार्ट जो जॉन अब्राहम वाला पार्ट था, उसमें भाई स्टार्टिंग में वो ऐसी वैन को ब्लास्ट करते हैं और उसके अंदर से सारा माल निकाल के भाग लेते हैं। तो आज तो भाई मुझे धूम पिक्चर याद आ गई, सच में कमाल का सीन था, वो भी कमाल की पिक्चर थी। धूम तो सारे पार्ट अच्छे हैं। ले ले बेटे, कहाँ तक पकड़ोगे मेरे को, आ जाओ पकड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे भाइयों, कुछ नहीं कर पाओगे, मास्क लगा हुआ है ना, हाँ मास्क लगा के रखा हुआ है भाई। तो गाइस मैं सोचता हूँ माइकल को एक बार फोन करके बता दूं कि मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है पूरी शहर की, अब करना क्या है, कहाँ पे आओ, अगर मैं गैरेज में जाऊंगा तो ये जाते हुए मेरे को देख लेंगे, फिर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर माइकल तक भी बात पहुंच सकती है और उनको पता चल जाएगा सब कुछ ड्राइवर ने किया, तो मैं उसको फोन करके बता देता हूँ। ओके माइकल से मेरी बात हो चुकी है, सच में भाई माइकल तो पूरी धूम पिक्चर ही मेरे से बनवाना चाहता है, मेरे को बोलता है कि एक काम कर किसी ऊंची जगह पे जाकर के भाई बाइक को जंप लगवा दे और पानी के अंदर ही अंदर से वापस आ जा। अरे मेरे भाई हलवा है क्या, बाइक भी खत्म हो जाएगी ऐसे तो हमारी, अभी भाई ये माइकल मेरे को मरवा के मानेगा। वैसे इसका प्लान कामयाब है भाई, मैं पानी में जंप लगा दूंगा तो पुलिस सोचेगी कि बंदा मर गया, थोड़ी देर ढूंढेगी और बाद में उनको बॉडी मिलेगी, नहीं तो भाई वो चले जाएंगे और भूल जाएंगे, वैसे आइडिया काम करेगा। तो गाइस इसको कहते हैं रियल धूम बाइक सच में, और कितनी स्पीड में जा रही है सच में, क्या कर लेंगे पुलिस वाले, कुछ नहीं कर पाएंगे, आराम से भाई घूम नहीं रही आराम से, बस। तो भाई सामने देखो मेरे को एक पहाड़ दिख रहा है, वहाँ से जंप लगवाता हूँ, घूम जा मेरी प्यारी बाइक, घूम जा सामने वाले पहाड़ से कूदाता हूँ। तो भाई अभी हमारा ड्राइवर कूदी मारने के लिए तैयार है, शायद से मुझे लगता है पानी है सामने की तरफ। ये लो गाइस, तो मेरा प्यारा ड्राइवर, ए ले बेटे, बस
बस पानी में पानू भाई साहब। वैसे माइकल का प्लान कामयाब है भाई, सच में देखो बाइक ऊपर से कुदा दो पानी में, किसको क्या पता चल रहा है, सब सोचेंगे बंदे ने भाई पानी में बाइक कुदा दी और मर गया। बहुत ही बढ़िया, ढूंढ ले मेरे भाई, कहीं नहीं ढूंढ पाएगा तो मेरे को। अभी इस तरह अंदर पानी में नहीं दिख पाऊंगा मैं बिल्कुल भी, मैं पानी को बिल्कुल नीचे की तरफ से आ चुका हूँ। तो हमारी रोबरी भाई सक्सेसफुल हो चुकी है रोडियम की। अभी माइकल से फोन करके पूछता हूँ कि माइकल मेरे भाई सारा काम मैंने कर दिया, जल्दी से बता कहाँ पे माल को लेकर के आऊँ, बाद में इसको बेच देगा। ओके मैं बता देता हूँ उसको। गाइज माइकल से बात हो चुकी है, माइकल तो बड़ा ही तेज बंदा है, उसने रोडियम की डील पहले से ही फिक्स कर दी थी कुछ बंदों से, तो मैं अभी उनके पास ही जा रहा हूँ। माइकल ने मेरे को लोकेशन शेयर कर दी है कहाँ पर मेरे को बंदे मिलने वाले, जाकर के बंदों से डील फाइनल करता हूँ और कैश लेकर के आता हूँ। सही है यार, बहुत ही जल्दी से सारे काम हो गए। तो भाई जगह पे पहुंचता हूँ। गाइस मैं जगह पे पहुंच चुका हूँ यार, कैसा बंदा है यार, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें बना के रखी हुई है, बहुत ही खतरनाक लग रहा है बंदा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माइकल मेरे भाई वेरीफाई तो कर लिया होगा ना तूने, लेजिट बंदा है, कभी भाई धोखा दे दे नियत फिसल जाए उसकी। चलो जा करके बात करता हूँ भाई। ये बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है बंदे के पास, देखो सारी की सारी बुलेट प्रूफ कार से भाई, ये बंदा कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है। ये धोखा ना कर दे सच में, मैं इसको बहुत पेलूंगा। अल्लाह मेरे भाई जी की हाल चाल है, देखो बैग में सारा का सारा रोटियां है, जल्दी से बताइए कितने की डील फाइनल करी है माइकल ने, सारा कैश मेरे को दिखाओ कहां पर है, या फिर बैंक में ट्रांसफर कर दो, उसके बाद ही मैं आपको रोडियम दूंगा, जल्दी से बताओ भाई। कर दिया ना बंदे ने धोखा, मुझे पता ही था ये बंदा शक्ल से धोखेबाज लग रहा है, माइकल ना उल्टे सीधे काम कराता है। तो ये मेरे को बोल रहा है कि रोडियम को यहां पे रख दे ट्रेवर, नहीं तो पूरे शहर में तेरे को बदनाम करवा दूंगा। भाई इसने कहीं पे पीछे भाई किसी रिपोर्टर को खड़ा करके रखा है, उसने मेरी फोटोज खींच ली भाई, और मेरे को धमकी दे रहा है कि मेरे को शहर में बदनाम कर देगा, कि रोडियम को मैंने चुराया, कमिश्नर होकर मैं ऐसे काम करता हूं। भाई साहब इस रिपोर्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे को दिख जाए न्यूज वाला बंदा कहां पे है, बट उससे पहले इसका काम करता हूं मैं। अरे सर सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। लो मैं कहां पे रखूं, इस वाली गाड़ी पे रख देता हूँ, रुक जाइए इस वाली गाड़ी पे रख देता हूँ आपके लिए, ठीक है यहाँ पे रखती हूँ। गाड़ी के अंदर रख दूँ क्या, गाड़ी के अंदर रख दूँ? अबे टकले, अबे टकलो, हमें मारोगे, हमें मारोगे, आज तेरा बनाता हूँ नेता, मेरे को ब्लैकमेल करेगा। कहाँ है वो रिपोर्टर, कहाँ है वो न्यूज वाला, उसका भी इलाज करता हूँ। ये ले बेटे, हमको मारोगे, इतना दम आ गया तुम में? अबे शर्म करो, शर्म तो करते नहीं है, प्यार से डील करने के लिए आ रहा था, पंगा लेने की आदत पड़ी हुई है ना, पंगा लो पंगा। भाई रिपोर्टर को ढूंढना पड़ेगा, अगर गलती से वो पहुंच गया शहर तक मैं तो खत्म हो जाऊंगा, कमिश्नर की जॉब छोड़नी पड़ेगी और भाई माइकल की बदनामी, बहुत सारे उल्टे सीधे काम हो जाएंगे। अबे बंदा मानोगे नहीं, तुम मानोगे नहीं, तुम्हारे बॉस को तो मैंने ठंडा कर दिया। ये ना ये ले बेटे, है मुझको बोल रहा था ब्लैकमेल करेगा, इतना दम आ गया तुझमें, ये ले बेटे, तू भी ले बेटे, हमसे पंगा लिया था। बंदा वैसे था तो बड़ा ही महंगा, बट भाई क्या है का महंगा, ब्लैकमेल करके रोडियम लेना चाहता था। पता है कितनी मेहनत लगी इसको चुराने में, पहले लैब में गए, वहां से फाइल लाए, फिर अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस में गए, वहां बंदों को पेला, वहां कुछ नहीं मिला, फिर पता है इतनी सारी वैंस को ब्लास्ट करा, फिर जाके तो मिलाया हमें, और तेरे को प्यार से दे दे अपनी सारी मेहनत एक सेकंड में दे दे तेरे को। गाइस किसी ने पुलिस को खबर दे दी है, मास्क पहन लेता हूँ फटाफट से। अरे यार पुलिस आ गई, मास्क पहन ले ड्राइवर, मास्क पहन ले, दिखना नहीं चाहिए, तू कमिश्नर है। मुझे लगता है उस न्यूज रिपोर्टर ने पुलिस को फोन कर दिया है कि शहर में जो रोडियम चोरी हुआ था आज उसकी डील हो रही है, उसने बता दिया, इसीलिए पुलिस यहाँ पे पहुंच गई है। कोई बात नहीं भाई, मैंने मास्क पहना हुआ है, ड्राइवर बच जाएगा, सेफ रहेगा। बट भाई पुलिस जा चुकी है, बहुत ही बढ़िया, मैं निकलता हूँ यहाँ से। मैं मैरी को फोन करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे क्या पता कहाँ पे वो मिलने वाला है। मैरी को फोन करके बोलता हूँ, क्योंकि शहर में जितने बंदे न्यूज की कंपनी में काम करते हैं, न्यूज देते हैं न्यूज पेपर वालों को, सभी के फोन को ट्रेस कर और मेरे को बता कौन बंदा इस वक्त कहाँ पे है। जो भी बंदा मेरे सबसे पास में मेरे को दिखा, इसका मतलब वही बंदा भाई न्यूज को लेकर के भाग रहा है। भाई ये मैरी ने काम कर दिया, उसने सभी न्यूज वाले बंदों के फोन को ट्रेस किया और एक बंदा इसी जगह पे पाया गया है, मतलब थोड़ा ही दूर है मुझसे, अभी पकड़ता हूँ उसको, क्योंकि भाई न्यूज वाला बंदा डेजर्ट में क्या कर रहा है, इसका मतलब उसी के पास न्यूज है, वही लेकर के भाग रहा है शहर के अंदर। भाई बंदा मेरे को मिल चुका है, देखो आगे की तरफ जा रहा है, आप लोगों को मैप पे दिखाई दे रहा होगा। अब भी करता हूँ इसको इलाज, पहले वेरीफाई तो कर लो, कभी भाई किसी और बंदे को मार दूं। रुक जा मेरे भाई, कहां इतनी जल्दी में जा रहा है, अबे रुक जा, ओ भाई साहब भाग गया, तो इसका मतलब भाई यही न्यूज रिपोर्टर है, बस मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको रोका बट ये नहीं रुका, तो भाई समझने की बात है सीधी सी, यही बंदा है। तो अभी स्टिक बम निकाल के बंदे को दूर से खत्म कर देता हूँ। भाई ये स्टिक बम हमारा आ चुका है, और मेरे प्यारे भाई कहाँ तक भागेगा, ये ले बेटे, ए ले। अच्छा हुआ उसने मेरे को बता दिया कि उसने भाई न्यूज वाले बंदे को ऊपर खड़ा करके रखा हुआ है, मेरे को तो पता ही नहीं चलता, अगर वो नहीं बताता ना तो भाई साहब उल्टे सीधे काम हो जाते, ये तो चुपचाप ही निकल जाता पतली गली से। और अगले दिन भाई हेडलाइंस छपती न्यूज़पेपर में कि शहर का कमिश्नर ही करता है शहर को खराब, उल्टे सीधे काम हो जाते ना, फिर बहुत ही गड़बड़ होने वाली थी। फिलहाल सारी मुसीबत टल चुकी है। चलो भाई फटाफट से निकलता हूँ लेस्टर की फैक्ट्री में और आराम से सारे रोडियम्स को छुपा देता हूँ जाकर के। तो भाई मैंने बैग को स्टोर रूम में रख दिया है, तो यार मैरी मेरे से एक हेल्प चाहती है, ये बोल रही है कि इसको $100 मिलियन चाहिए। 100 मिलियन डॉलर्स हो मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। चलो कोई बात नहीं भाई,
अभी मना नहीं कर सकता, दे देता हूँ ठीक है भाई, मैं इसके बैंक अकाउंट में $100 मिलियन ट्रांसफर कर देता हूँ। मैरी जल्दी से अपना अकाउंट नंबर दे दे मेरे को, अभी करता हूँ ट्रांसफर, फिर देखता हूँ भाई ये क्या करने वाली $100 मिलियन का, आज पता चल जाएगा मेरे को सब कुछ इसके बारे में। ओके तो भाई मैंने मैरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, अभी इसको मैं फॉलो करूंगा, मैं यहाँ से जाने का ड्रामा करता हूँ और फैक्ट्री के पीछे जा करके इसका वेट करूंगा और फिर देखता हूँ ये मैरी कहाँ पे आज जाने वाली है, इसको मैं फॉलो करूंगा $100 मिलियन का क्या करेगी। भाई मैरी निकल पड़ी अपनी गाड़ी में, अभी इसको मैं फॉलो करूंगा, जहां जहां भी ये जाएगी वहां तक मैं इसको फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे जानना है इसके बारे में, क्योंकि भाई ट्रेवर इससे शादी करना चाहता है और शादी भाई इससे अगर कर लिया फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो भाई गाड़ी पीछे ले ले, कभी देख ले शक हो जाएगा, बहुत तेज लड़की आपको पता है। तो भाई देखो मैरी सामने की तरफ खड़ी हुई, बिल्कुल आपको सामने दिख रही होगी, अब ये कर क्या रही है यार, अभी कहां से देखो, अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है तो भाई ये फोन पे कुछ कर रही है। ओहो भाई लगता है इन बंदों को पैसे ट्रांसफर कर रही है, जो मैंने $100 मिलियन इसको दिए है ना, ये भाई इन बंदों को ट्रांसफर कर रही है सारे के सारे। आखिर ये बंदे कौन है, इसने $100 मिलियन मुझसे लिया और इन बंदों को क्यों दे रही है। गाइस मैरी जा चुकी है, अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को अंदर लेकर के चलता हूँ, अभी करता हूँ बंदों को फिट। ओके वो रहा सामने वाला बंदा जिसके पास मैरी खड़ी हुई थी, तो इससे पूछता हूँ मेरे प्यारे भैया बताते जल्दी से, नहीं तो तेरे को ऊपर पहुँचाने मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ओ भाई मेरे को जानता है क्या ये, अबे मानेगा नहीं भाई, तू जानता है मेरे को, अभी सीधा कर दूंगा मेरे भाई। ओहो हो अरे डर गया डर गया डर गया, अबे रुक बे कहाँ जा रहा है, बैठ यहाँ नीचे बैठ जा नीचे बैठ जा नीचे बैठ जा, भाग रहा था भाई देखो तो सही, गन निकालती भाग लिया। तो भाई मैंने इससे सारी बातें पूछ ली, ये कह रहा है कि हम ऐसी चीजें नहीं बताया करते, कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें, तो यार अभी क्या करूँ, इसको मारू ना मारू, तो इसको मैं फिलहाल बेहोश कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ फिट, इसको तो मैंने बेहोश कर दिया। तो भाई बाकी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे को देगा टेरी, बेटा स्माइल कर तेरा फोटो खींचने वाले ड्राइवर चाचा, स्माइल करो स्माइल करो। तो भाई ये बड़ा बंदा, इसका फोटो खींच के भेजता हूँ टेरी को, बाकी काम टेरी कर ले। ओके भाई गाइज मैंने फोटो टेरी को सेंड कर दिया है, अभी टेरी मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा थोड़ी देर में कि ये कौन बंदा है, यहाँ पे मेरी क्यों आई थी, उसने $100 मिलियन इसको क्यों ट्रांसफर करे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और भाई वो लेके ना भाग जाए यार, हमारा सारा का सारा रोडियम हमने तो इतनी मेहनत से चुराया था, वैसे यार चोरी तो वो करेगी नहीं, आज तक मेरी ने कभी चोरी नहीं करी जितना मुझे पता है। चलो फिर भी यार देखते हैं टेरी मेरे को क्या बताने वाला है। तो बस मेरे भाई ये फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना, आप लोग बता आपको होम पार्ट कैसा लगा। गाइस अगर आप चैनल पे नए तो मेक श्योर चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उस कॉल पे ऐड कर दो। भाई अगर तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया तो जाकर के उसको चेकआउट कर लो, क्योंकि शाम को 5 बजे पार्ट उसी पर आने वाला है, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेक कर लो। भाई अगर तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया तो उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।